लायंस क्लब बांसवाड़ा एवं आश्रय सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क दिव्यांग कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कृत्रिम अंग पाने के बाद में दिव्यांगों के चेहरों पर खुशी साफ देखी गई। करके पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। पाणिनि ने पांच सूत्र ग्रंथों की रचना की, उसको वो कहते हैं अपना उच्चारण करना चाहिए। सूत्र के माध्यम से उन्होंने लिखा, आ का उच्चारण कहाँ से करें, आ का उच्चारण कहाँ से करें, शब्दों का उन्होंने समावेश किया सूत्र के माध्यम से। ये शब्द बने हुए हैं, उनमें व्युत्पन्न कैसे किया। और ये अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की, जिसमें 8 अध्याय हैं, 3977 सूत्र की रचना की। सारे व्याकरण को जो है उन्होंने उस किताब के अंदर समाहित कर दिया। तो जहाँ धातु पाठ की रचना की, उस धातु पाठ के अंदर एक सूत्र लिखा उन्होंने, और वो सूत्र है भज सेवायाम। सेवा भी है, इसलिए भज सेवायाम जो है, भजन शब्द का सात्विक अर्थ वास्तविक में अगर कोई अर्थ निकलता है तो सेवा। दर्शन शास्त्र के पढ़ने वालों के लिए माने, हमारे लायंस क्लब में बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, भगवान की कृपा से वो वयम श्याम पतयो रही नाम भी कर सकता, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति हर आदमी करने का प्रयास कर सकता है। जो है इच्छाएं पूरी हो नहीं सकती है। और सब किया, मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा कि आज के सूत्रधार हमारे मेंबर्स क्या काम करेंगे, आज क्या जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके संस्थापक भी आज जो है ना बहुत प्रसन्न होंगे कि ऐसा सेवा का कार्य जो कि डाल, उसकी पूर्ति जिसके पास धनाभाव है उसकी पूर्ति समाज करे। तो सेवा के रूप में आश्रय संस्थान ने जो पहल की वो अत्यंत सराहनीय है। और विवेक अंबानी साहब और मनोज माथुर साहब का तो मैं तय दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो ही मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा इस काम को आप कर दीजिए। मैं श्री नारायण जी पंडित से निवेदन करूंगा कि श्री मनोज जी माथुर का स्वागत करें। से निवेदन करूंगा कि कृपया वो रोकड़िया जी का स्वागत करें। श्री राजेश जी बाबू, ये कृत्रिम अंग लग रहे हैं, एक बार दुपट्टा उनको उड़ा करके और उनको आशीर्वाद देवे पूज्य गुरु मान। निवेदन करूंगा लोयन आर के अय्यर साहब से कि कृपया वो लाठी बिना चल के जाना बात हो। लायंस क्लब बांसवाड़ा का आज नया सत्र शुरू हुआ है। उस सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से होती है। आज हमने 24 पेशेंट्स को, 24 विकलांगों को कृत्रिम अंग दिए हैं जो कि आपके सामने हैं, और ये हमारी शुरुआत है। कोशिश करेंगे पूरा साल उम्मीदों पे खरे उतरें और लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर सकें। खासियत क्या रही लायंस क्लब की तरफ से, अलग अलग लोगों को प्रेरित, ये अलग अलग लोगों को प्रेरित करके दिया गया है। इसमें एक परिवार से एक ही व्यक्ति दे सकता था, ऐसा किया है, और लोग आगे बढ़ बढ़ के दे रहे हैं। हमारे पास देने वाले लेने वालों से ज़्यादा हो गए हैं। अब धीरे 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 इसको और आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के साथ मिलकर के आश्रय सेवा संस्था ने पिछले 3 महीने पहले एक कैंप किया था यहाँ पर कुशलबाग में। वहाँ पे सारे दिव्यांग बंधुओं का चयन किया, उसके बाद लायंस क्लब के साथ मिलकर के आज 25 विकलांगों को कृत्रिम अंग बांटे जा रहे हैं। और ऐसे लगभग 75 दिव्यांगजन हैं जिनको हमने चयनित किया है। शेष और भी हम दानदाताओं के साथ मिलकर के संस्थान पूर्ण रूप से इन दिव्यांगों को लगा करके, और वागड़ की भूमि, हमारे बांसवाड़ा की जो भूमि है, वहाँ पर जो भी दिव्यांगजन हैं जिनके कटे हाथ पैर हैं, उन सबको कृत्रिम अंग लगा करके उन्हें लाभान्वित करेंगे। ये संस्थान का लक्ष्य है। बताना कि 12 साल पहले मेरे को जानवर ने, हिंदी बोल रहे, मेरा पेट